आप देख रहे हैं यूपीले भंडे यूपीले भंडे न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक नजर करते हैं खबरों की तरफ। ग्रामीणों को आरोप बंद कमरों में होती है जांच। पूरा मामला है चैनिया ब्लॉक के लक्ष्मणगढ़ पंचायत से, जहां पर ग्राम ने ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि शौचालय की धनराशि आवंटित होने के बाद भी शौचालय नहीं मिला। यदि कुछ लोगों ने शौचालय मिला भी तो वह अधूरा है। मनरेगा की मजदूरी विगत वर्षों से बाकी है। जब इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी बंद कमरे में करते ही जाते हैं। फोन करने पर नहीं रिसीव होता है फोन। एडीओ पंचायत साहब का फोन ग्रामीणों ने प्रशासन का। अपना परिचय बताइए जी। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं ग्राम सभा लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ। ब्लॉक कौन सा आपका? ब्लॉक चहनिया। नहीं, आप अभी कुछ कागज वगैरह दिखा रहे थे, कागजात दिखा रहे थे, क्या समस्या है सर? कैसा कागजात है? हाँ बता रहे हैं सर, हमारे गाँव में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। शौचालय जितने 258 शौचालय ऐसे हैं जिसका पैसा 2015 से लेकर 2020 के बीच में MIS हो चुका है, लेकिन धरातल पर वो शौचालय नहीं है। और मनरेगा में कम से कम 50 ऐसे लोग हों जिन्होंने 70 दिन तक काम किया है आज से 3-4 साल पहले का, जब भी मस्टर रोल में उनका नाम चढ़ा ही नहीं, उनका पैसा किसी दूसरे के नाम से निकाल लिया गया है। और मनरेगा के जिसके ऐसे अपात्रों की सूची बनाई गई है जिन्होंने कभी काम नहीं किया है और उनके नाम से पैसा निकाला गया है। इसके संबंध में मैंने BDO साहब को और आपके DM साहब को सबको पत्रक दिया। ये तहसील दिवस पे मैंने अभी पिछले मंगलवार को किया है और ये BDO साहब को जांच करने के लिए बोले। हमने कहा सर BDO साहब कई बार गाँव में जाँच किए हैं और बंद कमरे में जाँच करते हैं, तो अब देखिए क्या होता है। मैं अब आगे और नहीं, अभी आप जो आरोप लगाए हैं जी कि MIS हो चुका है पैसा, प्रमाण है जी? प्रमाण है, लिस्ट है उसकी। लिस्ट है जी। तो आप जांच के लिए आए थे तो इसके बारे में जब संबंधित अधिकारियों को आप बताते हैं तो कार्रवाई नहीं होती? कुछ कार्रवाई नहीं होती है। BDO साहब को वो कहते हैं BDO साहब यहीं से अपना लिख कर चले जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला था और मुख्यमंत्री पोर्टल पे उसको बिना जांच किए ही सब निस्तारित कर दिया गया। क्या नाम है आपका? नंदलाल यादव। आपके ग्राम पंचायत का नाम क्या है? लक्ष्मणगढ़। कहाँ के ब्लॉक कौन सा है? चहनिया। ये अभी आपका शौचालय दिखा आधा अधूरा, दरवाजा टूटा हुआ, क्या कारण क्या है? इसका कारण है कि एक 1.5 साल पहले बना। अच्छा। उसके बाद 10-15 दिन हुआ अंदर का एक गड्ढा सड्ढा बना है, तो मतलब इसकी नींव 1.5 साल पहले पड़ी थी। हाँ। अभी कंप्लीट कब हुआ है? कंप्लीट अभी 10-15 दिन हुआ है। और मतलब किसके आपके खाते में पैसा आया था कि कैसे बना है? वो प्रधान जी अपने। तो इसका विरोध नहीं किया आपके प्रधान जी जब 12,000 शौचालय योजना, तो 12,000 की लागत से हमारा शौचालय बनवाए? नहीं, बोले लेकिन उनको हम बोले कैसा है कि पैसा ऐसा है पहले आधा बनवा दी थी उसके बाद हम पैसा दे देंगे। हाँ हाँ, तब तो हमारे पास कहाँ इतना अर्थ है कि हम बनवा देंगे आधा पहले। अच्छा, प्रधान बोले थे कि आधा अपना लगा के बना दीजिए तो आधा देंगे। और शौचालय तो आपका कभी उतना मजबूत स्थिति में तो है नहीं, दरवाजा टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या स्थिति में है या नहीं है, इसको तो आपके सामने है सब कुछ। नाम है आपका? आपके ग्राम पंचायत का नाम क्या है? लक्ष्मण। ब्लॉक कौन सा है? चानिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यही है कि हम लोग का वो लेटरिन का पैसा प्रधान जी निकाल लिए हैं और उसके बाद बोलते हैं आप लोग गड्ढा खोद। क्या प्रमाण है आपके पास पैसा निकाले हैं? अभी वो तो लिस्ट में नाम है। लिस्ट में नाम है? हाँ। तो इसके बारे में आपने ग्राम प्रधान या संबंधित अधिकारी से कहा था? हाँ, हम लोग गए थे ना ब्लॉक पे। तो क्या बोले वो? कुछ नहीं, वहाँ पर एडीओ पंचायत जी आए थे। हाँ। जांच करके गए जी। हाँ। तो जांच करके क्या बोले? तो वो अभी जांच में आए थे, वो प्रधान जी बोलते हैं कि वो आपका तो बना है, तो वो तो बना है कभी कितना साल हो गया। हाँ, इनके प्रधानी में जबकि बना ही नहीं, अब पैसा ये आ गया है। अच्छा, सूची में नाम है। नाम बताइए आंटी जी, कहाँ की रहने वाली है? आपका ब्लॉक कौन सा है और आपकी समस्या क्या है? नरेगा में आपके आदमी काम किए, पैसा नहीं मिला है। कितने दिन का बाकी है, कितना पैसा बाकी है? तो इसके बारे में आपने ग्राम प्रधान से कहा था? ग्राम प्रधान से इसके बारे में कहा था? आपने प्रधान से बोला था क्या? प्रधान से तो कहा, प्रधान कहा कि तुम्हारे खाते में गैर पैसा ऐसे कर जा जा।
कितने दिनों से बाकी है? कितने दिन से बाकी है? कितना? एक साल दो साल? एक साल हो जला, एक साल हो जला, दूसरा ना एक साल हो जला। तो प्रधान से आश्वासन देते हैं? प्रधान से कहली तो कहते हैं कि तोहर पैसा नरेगा में अच्छू बैंक में लग गल खाते में आ दौ दौ गईली तो एक रुपया ना मिलल दौ जब जब कहना तब तब गईली। क्या नाम है मैडम आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं आपका अभी जो ये शौचालय दिख रहा है इस पर छत और नहीं पड़ा है, क्यों अधूरा क्यों है? प्रधान जी नहीं है, अब है। तो प्रधान साहब बोले कि छत डालने के लिए बोले कि नहीं? जैसे कहना कि डलवाई डालने के लिए बोले हैं, फिलहाल में अधूरा है। जी आपका कहाँ की रहने वाली है, क्या समस्या है आपकी? कितना दिन काम किए थे? अरे साल हो गया। एक साल हो गया? तो इसके बारे में आपने ग्राम प्रधान से कहा था? प्रधान से कहा था। तो क्या लगा दे? तो आपने चेक किया तो फिर एक भर पैसा नहीं आ रहा? पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? नहीं। बुध के दिन में भी डीपीआरओ की मीटिंग बोले? डीपीआरओ